अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें हम बताएंगे आपको और आपको फोर्स करेंगे कि जागती आंखों से आपने ख्वाब देखने हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है कि जागती आंखों से ख्वाब देखने हैं। देखें कोई भी वो हर वो चीज जो डिफरेंट होती है, बंदे को कामयाबी उसी से मिलती है। मैं आपसे आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि जागती आंखों से ख्वाब देखें। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको इंटीमेशन मिलती रहे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जागती आंखों से अगर हम ख्वाब देखेंगे तो वो कैसे कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। देखें, डूबना ही पड़ता है, शायर में बड़ा जबरदस्त का है, डूबना ही पड़ता है उभरने के लिए, डूबना ही पड़ता है उभरने के लिए। गरूब का मतलब जवाल थोड़ी होता है। शायरी सुनाने नहीं आया गाइस, मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि कोई भी दुनिया की चीज है, कोई भी दुनिया का कामयाब इंसान है, उसने सबसे पहले ख्वाब देखा है, फिर उस ख्वाब की तबीर हासिल की है। और ख्वाब जिस ख्वाब से हमें कामयाबी मिलती है, वो ख्वाब जागती आंखों से देखा जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को ये एडवाइस भी कर रहा हूं और फोर्सफुली इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जागती आंखों से आपने ख्वाब देखना है। ये सीरीज का फर्स्ट प्रोग्राम होगा जी, इसको हम इंशाल्लाह ताला चलते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इन दिस, तो आप लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे। देखें, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कोई भी काम, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कोई भी काम, तू जरा हिम्मत तो कर, बदलेंगे ख्वाब हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। गाइस, एक कुछ ये चीजें बड़ी सिंपल है, बस हमने ऑब्जर्वेशन अपनी जबरदस्त करनी है और अपने आप में तब्दीली लानी है। कैसे? देखिए, अगर हम जागती आंखों से ख्वाब देखेंगे तो हमने अपनी जिंदगी के उन ख्वाबों को लाइव रखने के लिए एफर्ट करनी है, एक्शन करना है। जो ख्वाब करेंगे उसका एक्शन करना है, हमने कुर्बानियां देनी है इसको, ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए हमने कॉन्फिडेंट रहना है, हमने मेहनत करनी है, हमने हार्डवर्क करना है, हमने देखना है कि हम इस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, सब कुछ करेंगे। हमने फेथफुल रहना है, हमने लाइन अप रहना है, हमें पाइपलाइन जो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन है उससे बाहर नहीं निकलना। ये चीजें हम डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह अलॉट ऑफ थिंग्स और भी आएंगी कि हर वो चीज क्या क्या चीजें हैं जो हम जागती आंखों से ख्वाब देखें और कामयाबी की तरफ जाएं, वो चीजें अपने अंदर डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको वो भी बताएंगे। मैं आप लोगों को अगर यही चीज बताऊं कि देखें, ख्वाब हमने देखा है, सूरज रोज ऊपर उभरता है फिर गरूब होता है, फिर उभरता है फिर गरूब होता है, ये सारी चीजें हम क्या बता रही हैं? अल्लाह ताला ने इस सूरज को बनाया, अलॉट ऑफ मकसद को, डिफरेंट उसके मकसद है, बहुत सारे मकसद है। अगर मैं ये कहूं कि ये सूरज अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताया है कि हम जागती आंखों से ख्वाब देखें, सूरज हमें कह रहा है कि भाई उठो, जागती आंखों से ख्वाब देखो, और ख्वाब देख के आज मेरे गरूब होने से पहले इसके ऊपर अमल दरामद करो, मेहनत करो। अगर आज का दिन अगर हम अपनी देखें, आज का दिन अगर हम गुजार देंगे ना नींद में, तो कल का दिन चैन से नहीं सो सकेंगे। अगर आज हम अपनी नींद खराब करेंगे तो कल का दिन हमारे लिए पुरसकून होगा। कोई भी चीज देख लें यार, कोई भी कामयाबी का शख्सियत को देख लें, आप देख लें कि ये रॉकेट जो फायर होता है, ये क्या चीज है, कैसे फायर होता है, इसकी स्पीड कैसे है, F-16 मूव करता है, बहुत स्पीड से जाता है, कैसे जाते हैं यार, इनकी स्पीड क्यों तेज है, इनके अंदर आग लगी होती है, रॉकेट के पीछे आग लगी होती है जो उसको ऐसे लेके जाती है। ये जितने प्लेन्स हैं, जितनी स्पीडी चीजें, इनमें आग लगी होती है, आपने अपने अंदर आग पैदा करनी है, कामयाबी की लगन की आग, हार्डवर्किंग की आग, फेथनेस की आग, ये चीजें करनी है आपने, कामयाबी हासिल करनी है, ख्वाबों की मंजिल हासिल करनी है, कुर्बानियां देना सीखनी पड़ेंगी आपको। कैसे ना दे, देखे कोई भी एक बड़ी से बड़ी कामयाबी, हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान हासिल किया बेशुमार कुर्बानियों के बाद, बेशुमार हार्डवर्किंग के बाद, हमने क्या किया है, कैसे हासिल किया, देखें
पाकिस्तान का भी तो पहले किसी ने ख्वाब देखा है ना, हमारे बड़े जबरदस्त लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जना, उन्होंने इसका ख्वाब देखा है, उन्होंने वो चीजें पूरी की हैं, हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन, मेहनत, कुर्बानी और अपनी मुसलसल जद्दोजहद की है उन्होंने, दिन रात एक कर दिया है। याद रखें, हर वो काम जो आप कल पे छोड़ देंगे वो नामुमकिन बन जाता है, काम वही होता है, कामयाबी उसी काम से मिलती है जो हम आज करते हैं। इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, शायर मशरिक कहलाते हैं, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं भाई, उन्होंने ख्वाब देखा था कि हम एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जिसमें ये चीजें होंगी, वो ख्वाब देखा उन्होंने, उस ख्वाब की इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कहा पॉलिटिकली साउंड होना पड़ेगा, हार्डवर्किंग करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ रहना पड़ेगा, जद्दोजहद देनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जागती आंखों से ख्वाब देखें और उस ख्वाब के लिए प्लान करके लाइन अप होके फेथ के साथ लगन के साथ जुड़ जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। गाइस, मेरा ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे, ये लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स जो हैं ये मेरी मोटिवेशन है। अगले प्रोग्राम तक आपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।